दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों ये स्पोर्ट्स जीके की वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो वो पार्ट भी आप देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में दोनों पार्ट्स अवेलेबल हैं और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो दोनों पार्ट्स देख सकते हैं। इस वीडियो के क्वेश्चन होंगे दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दोस्तों 7 तरीके के होते हैं, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन यानी 29 अगस्त को दिए जाते हैं हर साल, जिसे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। ये 7 अवार्ड कौन कौन से हैं उनके नाम बता देता हूँ मैं आपको। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड होता है। अर्जुन अवार्ड, ये किसी भी प्लेयर की जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है अवार्ड। ये द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को दिया जाता है, कोचेस की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, या सिर्फ ध्यानचंद अवार्ड भी कह सकते हैं हम। ध्यानचंद अवार्ड उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जो जिस समय प्लेयर थे उस समय भी उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी और रिटायरमेंट के बाद भी वो स्पोर्ट्स को किसी न किसी तरह से प्रमोट कर रहे हैं। 5वां अवार्ड है टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये स्पोर्ट्स एडवेंचर में दिया जाता है। लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर, इस तरह के स्पोर्ट्स में दिया जाता है। ये अवार्ड अर्जुन अवार्ड के ही इक्विवेलेंट है। फ़र्क इतना है कि ये सिर्फ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है और अर्जुन अवार्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स से अलग जितने भी अदर स्पोर्ट्स हैं उनके लिए दिया जाता है। 6ठा अवार्ड होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी माका ट्रॉफी। ये अवार्ड उन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है जिनकी परफॉर्मेंस इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में बेस्ट रही हो। और 7वां अवार्ड होता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कॉरपोरेट सेक्टर में दिया जाता है, किसी एनजीओ को दिया जा सकता है, ये कोई गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का काम कर रही हो कंट्री के अंदर। ठीक है, तो ये 7 तरीके के अवार्ड होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 की जो मैंने वीडियो बनाई है आप वो वीडियो देख लीजिए। और कुछ दिनों में एक और डिटेल वीडियो में इन अवार्ड के बारे में लाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं अपनी क्विज़ की तरफ। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैं पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ूँगा उसके बाद चारों ऑप्शन बताऊँगा और चारों ऑप्शन बताने के बाद मैं राइट आंसर बता दूँगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। लेकिन जिस बीच में चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूँगा उस बीच आपको मन में ही गेस कर लेना है कि आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ऐसा करने से आपको वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगेगी और इंटरेस्टिंग वे में आप स्पोर्ट्स जीके को दोस्तों पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स आर गिवन बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, प्रेजिडेंट या वाइस प्रेजिडेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेजिडेंट। दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं हर साल 29 अगस्त को, यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन इंडिया। क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिया में स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या ध्यानचंद अवार्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन 2020 रोहित शर्मा बिकेम डैश क्रिकेटर टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोहित शर्मा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, वो कौन से नंबर के क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ। रोहित शर्मा दोस्तों इंडिया के 4th क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अब से पहले 3 प्लेयर्स को यह अवार्ड और दिया जा चुका है, 1998 में सचिन तेंदुलकर को, 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को और 2018 में विराट कोहली को, और अब 2020 में यह अवार्ड दिया जा रहा है दोस्तों रोहित शर्मा को। तो रोहित शर्मा भारत के वो 4th क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच फीमेल क्रिकेटर रिसीव अर्जुन अवार्ड 2020 इन क्रिकेट। क्वेश्चन में पूछा गया है 2020 में वो कौन सी फीमेल क्रिकेटर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं मिथाली राज, दीप्ति शर्मा,
both A and B या none of the above? इसका right answer है option B, दीप्ति शर्मा। दोस्तों दीप्ति शर्मा वो female cricket player हैं जिन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। Next है question number 5, when is National Sports Day celebrated? क्वेश्चन में पूछा गया है National Sports Day कौन से दिन celebrate किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं 15th August, 19th August, 29th August या 30th August। इसका right answer है ऑप्शन सी 29th August। दोस्तों National Sports Day 29th August को celebrate किया जाता है। Next है question number 6, National Sports Day is celebrated on the birth anniversary of? क्वेश्चन में पूछा गया है National Sports Day जो हम 29th August को celebrate करते हैं वो किसकी birth anniversary वाले दिन celebrate किया जाता है? Options दिए गए हैं राजीव गांधी, कपिल देव, लाल बहादुर शास्त्री या मेजर ध्यानचंद। इसका right answer है option D, मेजर ध्यानचंद। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी विजार्ड के नाम से भी हम जानते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन ही नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है उनके ऑनर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन 2020 हाउ मेनी प्लेयर्स आर अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? क्वेश्चन में पूछा गया है सन 2020 में कितने प्लेयर्स को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 5, 6 या 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। 2020 में 5 प्लेयर्स को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। किने किने दिया गया है? रोहित शर्मा का नाम मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा नाम है मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। तीसरा नाम है मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरा एथलीट हैं हाई जंप की। चौथा नाम है विनेश फोगाट जो कि फीमेल रेसलर हैं। और पाँचवा नाम है रानी रामपाल जो कि फीमेल हॉकी प्लेयर हैं। तो इन 5 प्लेयर्स को दोस्तों 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन 2020 हाउ मेनी प्लेयर्स आर गिवन अर्जुन अवार्ड? क्वेश्चन में पूछा गया है 2020 में कितने प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड दिया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं 15, 19, 27 या 32। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 27। 2020 में 27 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया। वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आपको उन 27 के नाम बता देता हूँ और वो कौन कौन से गेम से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए अतानुदास आर्चरी, दूति चंद एथलेटिक्स, सात्विक सिराज राम क्रेडी बैडमिंटन, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन, विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल, मनीष कौशिक बॉक्सिंग, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग, ईशांत शर्मा क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, सावंत अजयानंद इक्वेस्ट्रियन, संदेश झिंगन फुटबॉल, अदिति अशोक गोल्फ, आकाशदीप सिंह हॉकी, दीपिका हॉकी, दीपक कबड्डी, केल सरिका सुधाकर खो खो, दत्तू बाबन भोकनल रोइंग, मनु बाकेर शूटिंग, सौरभ चौधरी शूटिंग, मधुरिका सुभाष पथाकर टेबल टेनिस, दिवजी शरण टेनिस, शिवा केशवन विंटर स्पोर्ट्स, दिव्या काकरन रेसलिंग, राहुल अभयर रेसलिंग, सुयश नारायण जाधव पैरा स्विमिंग, संदीप पैरा एथलेटिक्स और मनीष नरवान पैरा शूटिंग। तो दोस्तों ये टोटल 27 प्लेयर्स हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए और वो कौन कौन से गेम के प्लेयर हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये 27 नेम्स आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ये प्लेयर जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है ये कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे मैंने भी लिए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अतानुदास इज एसोसिएटेड विद? क्वेश्चन में पूछा गया है अतानुदास कौन से गेम के प्लेयर हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन या बास्केटबॉल। अभी दोस्तों मैंने आपको अर्जुन अवार्डीज के नाम बताए थे, उसमें सबसे ऊपर नाम किसका था? अतानुदास का था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आर्चरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इन 2020 हाउ मेनी कोचेज आर गिवन द्रोणाचार्य अवार्ड इन लाइफ टाइम कैटेगरी? क्वेश्चन में पूछा गया है 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने कोचेस को दिया गया? दोस्तों मैं आपको बता दूं द्रोणाचार्य अवार्ड की दो कैटेगरी होती हैं, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी होती है, एक रेगुलर कैटेगरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं 3, 8, 9 या 16। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8।
2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 कोचेस को दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इन 2020 हाउ मेनी कोचेस आर गिवन द्रोणाचार्य अवार्ड इन रेगुलर कैटेगरी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में रेगुलर कैटेगरी में कितने कोचेस को दिया गया। ऊपर क्या पूछा गया था, लाइफ टाइम कैटेगरी में। नीचे पूछा गया है रेगुलर कैटेगरी में कितने कोचेस को दिया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 3, 5 या 9। इसका राइट आंसर होगा 5। 5 ऐसे कोचेज हैं जिन्हें रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है सिर्फ ये कि द्रोणाचार्य कितने लोगों को दिया गया, तो आपको क्या करना है, रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी दोनों का टोटल ही बताना है, यानी कि 13 टोटल द्रोणाचार्य अवार्ड 13 कोचेज को दिए गए, जिनमें से 8 लाइफ टाइम कैटेगरी वाले कोचेज हैं और 5 रेगुलर कैटेगरी वाले कोचेज हैं। ठीक है, तो टोटल 13 कोचेज को द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कृष्ण कुमार हुड्डा रिसीव 2020 द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कैटेगरी इन द फील्ड ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कृष्ण कुमार हुड्डा जिन्हें 2020 में लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, वो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आर्चरी, टेनिस, रेसलिंग या कबड्डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबड्डी। कृष्ण कुमार हुड्डा जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया 2020 में, वो कबड्डी गेम के कोच हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। योगेश मालवीय रिसीव 2020 द्रोणाचार्य अवार्ड इन रेगुलर कैटेगरी इन द फील्ड ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है योगेश मालवीय जिन्हें 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया रेगुलर कैटेगरी में, वो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं हॉकी, मलकम, शूटिंग या वुशु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मलकम। योगेश मालवीय मलकम गेम के कोच हैं जिन्हें 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इन 2020 हाउ मेनी प्लेयर्स आर गिवन मेजर ध्यानचंद अवार्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है 2020 में कितने प्लेयर्स को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं 9, 3, 15 या 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15। दोस्तों, 2020 में 15 प्लेयर्स को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया 2020 में, मैं आपको जल्दी जल्दी उनके नाम बता देता हूं और उनका गेम। ये देखिए, देख सकते हैं आप, कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स, जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स, प्रदीप श्रीकृष्णा गैंडे बैडमिंटन, तृप्ति मुर्गुने बैडमिंटन, एन उषा बॉक्सिंग, लाखा सिंह बॉक्सिंग, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक्स, सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मनजीत सिंह रोइंग, लेट श्री सचिन नायक स्विमिंग, नंदन पी बाल टेनिस और नेटर पाल हुडा रेसलिंग। तो ये वो 15 लोग हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2020 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको नाम बता दिए हैं और वो कौन कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सत्य प्रकाश तिवारी रिसीव्ड मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2020 इन द फील्ड ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है सत्य प्रकाश तिवारी जिन्हें 2020 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया, वो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शंस दिए गए हैं पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, रोइंग या रेसलिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैरा बैडमिंटन। सत्य प्रकाश तिवारी जिन्हें 2020 में ध्यानचंद अवार्ड दिया गया, वो पैरा बैडमिंटन गेम से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन 2020 विच यूनिवर्सिटी रिसीव्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। क्वेश्चन में पूछा गया है 2020 में कौन सी यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी माका ट्रॉफी दी गई। ऑप्शंस दिए गए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, जामिया मिल्लिया इस्लामिया या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को 2020 की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई है। जैसा कि आप जानते होंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी की बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी, जिसकी वजह से इसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव बीन अवार्डेड
टेंजिंग नारगेई नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019। क्वेश्चन में पूछा गया है 2019 टेंजिंग नारगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड कितने स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिया गया। ऑप्शंस दिए गए हैं 7, 8, 9 या 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8। टोटल 8 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें टेंजिंग नारगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 दिया गया। दोस्तों इन 8ों के मैं आपको नाम बता देता हूँ जल्दी जल्दी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अनीता देवी लैंड एडवेंचर, सरफराज सिंह लैंड एडवेंचर, टाका तुमक लैंड एडवेंचर, नरेंद्र सिंह लैंड एडवेंचर, केवल हिरन काका लैंड एडवेंचर, सत्येंद्र सिंह वाटर एडवेंचर, गजानंद यादव एयर एडवेंचर, मगन बिस्सा लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो ये 8 स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनके नाम दोस्तों मैंने अभी आपको बताए, इन्हें टेंजिंग नारगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अवार्डेड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। क्वेश्चन में पूछा गया है 2020 के जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हैं वो इन 4 ऑप्शंस में से किसे दिए गए। ऑप्शंस दिए गए हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट यानी IISM, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, टाटा स्टील लिमिटेड या रिलायंस फाउंडेशन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट यानी IISM। इन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ IISM को ही 2020 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। ये जो 3 अदर ऑप्शन हैं इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है लेकिन अब से पहले दिया गया है, जैसे टाटा स्टील को 2009 में दिया गया था और गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन इन्हें लास्ट ईयर ही दिया गया था। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है, और रिलायंस फाउंडेशन को भी पहले दिया जा चुका है, लेकिन इन ऑप्शंस में से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को इस साल दिया गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड दिया गया है, लक्ष्य इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC लिमिटेड, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो आप इसमें देख सकते हैं IISM भी है और इससे अलग 4 और हैं। तो इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही हैं, इस वजह से दिया जाता है उनके एंकरेजमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ कोई कैश प्राइज वगैरह नहीं दिया जाता, सिर्फ एंकरेजमेंट के लिए होता है ये वाला अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। क्वेश्चन में पूछा गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कौन से ईयर में हुई। ऑप्शंस दिए गए हैं 1985-86, 1961-62, 1991-92 या 2001-2002। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1991-92। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्टार्टिंग दोस्तों 1991-92 में हुई। ये अवार्ड सबसे पहले चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 1991-92 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द्रोणाचार्य अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। क्वेश्चन में पूछा गया है द्रोणाचार्य अवार्ड कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ। ऑप्शंस दिए गए हैं 1951, 1976, 1985 या 1991। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1985। द्रोणाचार्य अवार्ड की स्टार्टिंग 1985 में हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अर्जुन अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। क्वेश्चन में पूछा गया है अर्जुन अवार्ड कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ। ऑप्शंस दिए गए हैं 1961, 1959, 1962 या 1958। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1961। 1961 में अर्जुन अवार्ड की स्टार्टिंग हुई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ध्यानचंद अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। क्वेश्चन में पूछा गया है ध्यानचंद अवार्ड कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ। ऑप्शंस दिए गए हैं 2000, 2001, 2002 या 1998। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2002। ध्यानचंद अवार्ड की स्टार्टिंग 2002 में हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नेम द हेड ऑफ द सेलेक्शन कमेटी फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। क्वेश्चन में पूछा गया है 2020 में जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए उसके लिए जो सेलेक्शन कमेटी बनाई गई थी उसके हेड कौन थे। ऑप्शंस दिए गए हैं
former Indian cricketer Virendra Sehwag, retired Supreme Court Justice Mukund Kan Sharma, boxer Venkatesan Devarajan, या former table tennis player Mona Lisa Barao Mehta. इसका right answer है option B, retired Supreme Court Justice Mukund Kan Sharma. दोस्तों Supreme Court के retired Justice Mukund Kan Sharma इस पूरी selection committee के head थे. वैसे तो ये लोग भी इसके मेंबर थे सिलेक्शन कमेटी के, लेकिन उसके जो हेड थे वो थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुकुंद कन शर्मा. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24. इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, हु वन द अर्जुन अवार्ड इन बैडमिंटन डिसिप्लिन. क्वेश्चन में पूछा गया है अभी जो रिसेंटली अनाउंस हुए हैं 2020 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, उसमें अर्जुन अवार्ड बैडमिंटन में किसे दिया गया है. ऑप्शंस दिए गए हैं सात्विक सैराज, रानकी रेड्डी, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए नोर बी. इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों ही प्लेयर को बैडमिंटन के फील्ड में अर्जुन अवार्ड दिया गया है. कौन कौन से प्लेयर्स हैं? सात्विक सैराज, रानकी रेड्डी और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, इन दोनों प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड दिया गया है बैडमिंटन के फील्ड में. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 और ये इस वीडियो का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है. ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर ऑफ स्टार्टिंग व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम स्टार्ट टू लेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड. क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर स्पोर्ट्स अवार्ड्स के नाम दिए गए हैं और कहा गया है कि हमें इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी कौन से ईयर में कौन से अवार्ड की स्टार्टिंग हुई. ऑप्शंस दिए गए हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड. अब जैसा कि मैंने अभी पीछे इन सभी का बताया था कौन कौन से ईयर में स्टार्ट हुए थे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. सबसे पहले कौन सा स्टार्ट हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था. नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं तो आप जल्दी से गेस कर लीजिए मन में इसका राइट आंसर क्या हो सकता है. इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन डी, 3-2-1-4. यानी सबसे पहले स्टार्टिंग हुई अर्जुन अवार्ड की 1961 में, जैसा कि मैंने बताया था. उसके बाद स्टार्टिंग हुई द्रोणाचार्य अवार्ड की 1985 में, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था. उसके बाद स्टार्टिंग हुई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की 1991-92 में, जैसा कि मैंने पीछे बताया था. और उसके बाद सबसे लास्ट में स्टार्टिंग हुई ध्यानचंद अवार्ड की 2002 में. तो ये है इसका सही सीक्वेंस, 3-2-1-4. ठीक है दोस्तों, तो ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. लेकिन दोस्तों अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें भी मैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड पर ही और 25 क्वेश्चन दोस्तों लेकर के आऊँगा. ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं. वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की किसी नई वीडियो में.